कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में स्कूलें बंद थी, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलें शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के आदेश अनुसार विद्यार्थी अभिभावक की सहमति पत्र के बिना स्कूल कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शासन के निर्देशानुसार स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग सहित कोरोना महामारी के बचाव के समस्त साधन उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन कोरोना प्रकोप को देखते हुए स्कूलों में अभी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर है। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। सर, 21 तारीख से स्कूलें प्रारंभ हो गई है, तो शासन के क्या दिशा निर्देश हैं इसमें? शासन के दिशा निर्देश ये हैं कि स्कूल प्रारंभ तो हो गई, लेकिन कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। बच्चे केवल मार्गदर्शन के लिए आएंगे। जो उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, दूरदर्शन से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें यदि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बच्चे आएंगे। और हमने क्या किया है कि हमने अपने विद्यालय में दो पालियों में बच्चों को बुलाया। सुबह 7 से लेकर के 12 बजे तक कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे आते हैं, और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक वो उन बच्चों को बुलाया है जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं। और अगर कुछ कक्षाओं में बच्चे ज़्यादा हैं, जैसे मान लो 60 बच्चे हैं, तो हमने 20 बच्चों को आज बुलाया है, 20 बच्चों को दूसरे दिन बुलाया, 20 बच्चों को तीसरे दिन बुलाया, और उनके मार्गदर्शन के लिए टीचर यहाँ उपलब्ध रहते हैं, वो लोग मार्गदर्शन देते हैं। हमारे यहाँ के कुछ टीचर, लगभग 12 टीचर कोविड-19 में भी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपना समय निकाल करके, हमने उनसे बोल दिया कि अपने समय पर आप आ जाओ, तो वो लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन अभी चूंकि 21 तारीख से शुरू हुआ है, अभी तक कल एक भी बच्चा नहीं आया था, परसों भी नहीं आया था, आज जरूर 7 बच्चे आए थे, और उनमें 7 में 6 11वीं के थे और 1 12वीं का था। अब 6 बच्चे सहमति पत्र लेके आए थे, हमने उनसे कहा भाई सहमति पत्र लेके ही आए, 6 बच्चे लेके नहीं आए थे, 1 बच्चा लेके आया था। तो अभी ये स्थिति है। शासन के निर्देश भी हैं कि आइसोलेशन कक्ष और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होना चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है हमारे यहाँ, हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सारे कमरों को सैनिटाइज करते हैं, बरामदा वगैरह, चैनल गेट वगैरह सब सैनिटाइज करते हैं, और तभी हम बच्चों को उनका बकायदा टेम्परेचर नोट किया जाता है। बाहर साबुन और पानी की व्यवस्था है, बिना हाथ धोए साबुन के कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा और बिना अभिभावक की सहमति के प्रवेश नहीं करेगा। अभिभावक की सहमति पत्र जमा होते हैं, तो ऐसे कितने सहमति पत्र अभी तक जमा होगा? अभी तो आज एक ही हुआ है, क्योंकि बाकी हमने उनको दे दिया है, व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में डाल दिया है कि सारे बच्चे, वो जो हमने नाम नमूना दिया है, वो ही सहमति पत्र अपने हाथ से लिख करके प्रस्तुत करेंगे। आपका नाम सर? आरके सिंह कुशवाहा। अच्छा। प्रिंसिपल देवी अहिल्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।